आज प्रदेश अध्यक्ष माननीय सांसद जी दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में अपने विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी सहित भाजपा के महामंत्री और हमारे अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रभारी रामकुमार पाहन जी सहित महामहिम राज्यपाल से मिलकर हम लोग ने जो 11 फरवरी 2011 को एक स्मारक पत्र दिए थे 11 फरवरी 2022 को जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने नाम से जो खदान लिए उस संदर्भ में था कि इनको आयोग 9A के तहत आयोग घोषित करे। दूसरा डिमांड था कि इस पर PC एक्ट लगे, तो माननीय महामहिम राज्यपाल को हमने अवगत कराया कि इस पर भी PC एक्ट के तहत माननीय मुख्यमंत्री पर आप स्वीकृति दे FIR करने का। दूसरा, आज दो मुद्दे पर हम लोग ने महामहिम को दिया। पहला मुद्दा था कि मुख्यमंत्री जी ने अपनी पत्नी के नाम पर इंडस्ट्रियल एरिया आदिवासी के लिए आरक्षित रहकर किसी आदिवासी को उन्होंने ज़मीन नहीं दी, लेकिन अपनी पत्नी को उन्होंने 11 एकड़ से ज़्यादा मीट प्रोसेसिंग प्लांट के नाम पर ज़मीन दी। और इससे साबित होता है कि मुख्यमंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आर्थिक कदाचार भ्रष्टाचार का काम मुख्यमंत्री जी ने किया। इस पर भी PC एक्ट मामला बनता है और माननीय राज्यपाल स्वीकृति दे PC एक्ट का, ताकि इस पर FIR हो सके। इसके साथ साथ सोराय भवन, क्योंकि जो इनकी पत्नी जी है वो उड़ीसा की रहने वाली है और CNT एक्ट में प्रावधान है कि क्रेता और विक्रेता दोनों उसी थाने का होना चाहिए, और इन्होंने उल्लंघन करके इन्होंने सोराय भवन का, जो हमारे राजू उराव और एक और समथिंग उराव, जिस जो ज़मीन की कीमत करोड़ों रुपये में थी, उसको 9 लाख रुपये में लिए। वित्तीय अनमता का कदाचार भी किया, साथ ही CNT एक्ट का उल्लंघन भी किया। ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पद का दुरुपयोग करते हुए, जब हमारी सरकार थी तो हम लोग ने इसको जांच कराने का काम की थी और जांच की प्रक्रिया चल रही थी। इस बीच सरकार चली गई, माननीय मुख्यमंत्री सत्ता में काबिज हुए और सत्ता में काबिज होते सबसे पहला काम ये जो CNT एक्ट का उल्लंघन था उनकी पत्नी के नाम पर, उसको रेगुलराइज करने का काम किया। ये भी आर्थिक कदाचार भ्रष्टाचार का काम है। इस पर भी PC एक्ट लगे और मुख्यमंत्री जी को आयोग घोषित करे। सिर्फ आयोग घोषित नहीं करे, इसको 6 साल के तहत ये चुनाव ना लड़े, ये भी हम लोग ने महामहिम राज्यपाल से अनुरोध किए। बहुत बहुत धन्यवाद। राज्यपाल जी का क्या रिएक्शन था सर? राज्यपाल जी ने कहा कि जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी कार्रवाई करेंगे। आपको आरोप लग रहा है कि आप लोग स्वयं न्यायाधीश बनकर फैसला सुना दे रहे हैं, जनता की अदालत में पहले ही दोषी करार कर दे रहे हैं मंजी को, जे मैम कह रही है। देखिए, कौन क्या कह रही है, कौन ना कह रही है, उस पर हमें नहीं कुछ नहीं कहना है। जो कानून कह रही है वही बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।